अस्सलामु अलैकुम, आप सभी का फ़ातिमा रेसिपी में वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की खीर, जो बहुत ही टेस्टी होती है। चावल की खीर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध, 10 से 12 चम्मच चीनी, आप चाहें तो ज़्यादा कर दें या कम कर दें, आपके ऊपर है। और उसके बाद मैंने लिया है कुछ बादाम, जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। और एक कटोरी में मैंने लिया है मखाने, जिसको मैंने हाफ़ काट लिया है। और एक कटोरी गरम दूध में मैंने केसर को भिगोकर आधे घंटे के लिए रख दिया था। और 2 छोटी इलायची और कुछ काजू, जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है। और फ्रेंड्स, ये है चावल, जिसको मैंने 1 घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दिया था। अब इसका मैं बारीक सा पेस्ट तैयार कर लूँगी, उसके बाद हम खीर बनाएंगे। खीर बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने दूध को हाई फ्लेम पर रख दिया है। अब हम तब तक वेट करेंगे जब तक कि ये दूध बॉयल ना होने लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसमें पिसा हुआ चावल डाल देंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे जब तक कि ये फिर से ना उबलने लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध उबलने लगा है। अब हम इसमें केसर वाला दूध डाल देंगे और फिर इसे हम बराबर चलाएंगे जब तक कि इसमें फिर से उबाल ना आ जाए। और हम इसमें बादाम डाल देंगे और काजू थोड़ा सा और सारे मखाने डाल देंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बराबर चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, ये उबलने लगा है। अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और हम तब तक इसे पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, इसका कलर कितना प्यारा हो गया है। अब फ्रेंड्स, हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसे हम बराबर चलाएंगे जब तक कि चीनी खीर में अच्छे से घुल ना जाए। और इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे कि ये नीचे पकड़े नहीं। और साथ ही साथ हम इसमें छोटी इलायची डाल देंगे जिससे खीर खुशबूदार हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इलायची को फाड़ कर डालेंगे और इसे बराबर चलाते रहेंगे। और अपनी आँच को हम स्लो रखेंगे और इसे हम अभी और थोड़ा गाढ़ा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, खीर कितनी अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। अब हम आँच को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसे अपने बोल में निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड, खीर हमारी ठंडी हो गई थी, इसको हमने निकाल लिया था और इसके ऊपर हमने कुछ मेवे डाल दिए थे। तो आप सभी लोग बनाइए और कमेंट में बताइए कि कैसी बनी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम।